বাগডোগরার লোকালয় ঘুরে বেড়াচ্ছে দলছুট হাতি, সতর্ক করল বন দপ্তর। প্রায়শই বাগডোগরায় শোনা যায় হাতির তাণ্ডব, বিশেষ করে শীতকালে বাগডোগরার বিভিন্ন এলাকায় খাবারের খোঁজে কিংবা অন্য কোনো কারণে লোকালয় প্রবেশ করে হাতির দল। আর ইতিমধ্যেই গত কয়েকদিনে বহুবার বাগডোগরার বিভিন্ন এলাকায় দলছুট হাতির দল লক্ষ্য করা গিয়েছে। বিশেষ করে এই হাতির দলগুলি সকালে বাগডোগরার বিভিন্ন এলাকায় বিশেষভাবে দেখা মেলে। তাই এবার বন দপ্তরের তরফে আগে ভাগে বাগডোগরার লোকালয় ঘুরে বেড়ানো দলছুট হাতির সম্বন্ধে সতর্ক করল বন দপ্তর। শনিবার মাইকিং এর মধ্যে দিয়ে সকলকে সতর্ক করা হয়। देखिए, सबको पता ही है कि ये धान के सीजन में जंगल से बाहर हाथी निकलता है बोल के, और बागडोरा के आसपास के जो भी यहाँ पर रहते हैं उनको सबको प्राय पता ही है और सब कॉन्शियस भी है। फिर भी ये हम लोगों का एक जिम्मेवारी रहता है डिपार्टमेंट की तरफ से कि जानकारी मुहैया कराना पब्लिक डोमेन में कि अभी के टाइम में बागडोरा के जंगल में करीब करीब 110 से ऊपर हाथी है, और साथ में उसके बाद में वो ये लोनर जो हाथी होता है अकेला अकेला जो चलता है वो भी 5-6 के करीब देखा गया है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ जनसाधारण से जो बागडोरा के आसपास में रहते हैं, तो कि विशेष करके रात के टाइम में चलने के टाइम में लाइट का सहारा लीजिए, सुबह के टाइम में जैसे कि मॉर्निंग वॉक जो निकलते हैं ये सिंगझोड़ा की तरफ में और ये गौजरन की तरफ जो भी मॉर्निंग वॉक ये सब में निकलते हैं, और ये मस्जिद पाड़ा के पीछे में जो फाका माठ है उस साइड में भी जो जाते हैं, बौनी बीटा साइड में भी जो है जो उस साइड से कुछ गाय बकरी वगैरह जंगल में छोड़ने के लिए सुबह सुबह निकलते हैं, और सन्य स्थान कमलपुर के भी हैं डाणा गाँव ये सब साइड भी है जो स्पेशली मॉर्निंग वॉक में और इवनिंग वॉक में जो निकले उनको खूब सावधान रहनी पड़ेगी, क्योंकि हाथी इतना ज़्यादा है कि हम लोग का मतलब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होने के कगार पे है। अभी तक कंट्रोल में है, एक साथ में अगर 10 जगह निकल गया तो वो हम लोग कंट्रोल करने के लिए भी बहुत मशक्कत करने पड़ सकती है। तो साथ साथ में ये गजाधरपल्ली है, उसके बाद में स्टालिन नगर है, ये सब जगह बहुत ही रिस्की है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। कुछ भी मतलब इस तरीके का हाथी का आवाज़ या किसी भी तरीके से आप लोगों को पता चलता है कि हाथी आ रही है या वहाँ पर देखा गया है, तो हम लोगों का कंट्रोल रूम है 8670944115, ये नंबर हमेशा 24 घंटा खुला है, आप कभी भी कॉल करके हम लोगों से जितना हो सके मदद ले सकते हैं। और विशेष करके देखिए धान का सीज़न है, धान का सीज़न में हाथी बाहर निकलेगा ही जितना भी बोलिए, ये एक दिन से नहीं हो रहा, ये दशकों से ऐसा ही चल के आ रहा है, तो उनको हाथियों को भी पता है कि कहाँ पर धान है कहाँ नहीं है। तो जो जहाँ जहाँ पर धान का खेती होकर किया गया है जैसे कि नंदलाल हुआ जमींदार गुड़ी है, उसके बाद नीचे ये हलाल किष्टपुर से नीचे वाला इलाका जितना भी है जहाँ जहाँ पर धान ये सब्जी वब्जी की खेती हुआ है, तो उस जगह में भी आदमी जो इधर उधर रात में चल रहे हैं, चलना तो पड़ेगा ही पर थोड़ा सावधानी से लाइट लेके थोड़ा कॉशियसली उसको देखने से मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये हाथियों के जो कारण से जो इंजुरी वगैरह या कैजुअल्टी होने का चांसेस होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। और स्पेशली और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जितने भी नदी झोड़ा ये सब साइड में ये मॉर्निंग के टाइम में या इवनिंग के टाइम में ये पैखाना करने का जो ओपन डिफिकेशन का जो इश्यू है, इसको जितना हो सके मुझे तो लगता है गवर्नमेंट की तरफ से सबको टॉयलेट मुहैया कराया गया है, किसी के घर में ऐसा नहीं है कि जहाँ पर टॉयलेट नहीं है, फिर भी किसी किसी का आदत रहता है कि वो ये सब पैखाना करने के लिए जंगल के पास पास में नदी में ही जाते हैं। तो कैमरा भी हम लोगों का सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल किया गया है प्राइम राइम लोकेशंस में जहाँ पर हाथी जा सकते हैं, वहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि हाथी निकल रहा है, हाथी उसी तरफ जा रहा है और वहाँ पर जाके कोई ओपनली डिफिकेट कर रहा है, हम लोगों का टीम भेज के उसको हटाना पड़ रहा है।
तो मेनली जितना भी एक्सीडेंट होने का चांसेस है ये ओपन डिफिकेशन, मॉर्निंग वॉक हुआ, इवनिंग वॉक हुआ, इस दौरान ही एक्सीडेंट होने का चांसेस है। तो सभी से रिक्वेस्ट किया जाता है या इन्फॉर्मेशन भी मान लीजिए कि इसको थोड़ा सा कम करने से मुझे लगता है ये सीज़न जब तक पैडी रहता है, ये धान रहता है, जैसे मान लीजिए लेट नवंबर दिसंबर तक ही रहता है, उस टाइम तक थोड़ा कॉशियस होने से हम लोगों को की भी बहुत मदद होगा। और ये कैजुअल्टी इंजरीज वगैरह जितना भी है, जो इरिपेरेबल लॉस है, जो अगर लॉस हो गया तो उसको रिपेयर नहीं कर सकते हैं, इस तरीके का इरिपेरेबल लॉस को हम लोग बहुत हद तक कम कर सकते हैं। तो सभी से गुजारिश है, सभी से निवेदन है कि आप लोग भी सतर्क रहिए, थोड़ा कॉशियस रहिए, हम लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मुहैया कराइए और आपकी सेवा हम लोग और अच्छी तरह से कर पाए, ये इसके लिए हम लोगों को मदद करिएगा। धन्यवाद।